कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे ज्ञान दूत कार्यक्रम में स्नातक स्नातकोत्तर छात्राओं का स्वागत है। मैं स्पर्मेटोजेनेसिस युग्मक जनन में शुक्राणु जनन के ऊपर मैं आपको व्याख्यान दूंगी। मैं हूं डॉक्टर फातिमा सुल्ताना, सह आचार्य प्राणी शास्त्र, जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय कोटा। इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहूंगी कि जो गैमेट्स हैं, कौन कौन से गैमेट्स हैं, वो हैं स्पर्म और ओवा। इनके फर्टिलाइजेशन से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और ये जो गैमेट्स हैं, ये कहाँ बनते हैं? ओवरी के प्रीमोडियल जर्म्स कोशिकाओं में ओवा बनता है और टेस्टिस के प्रीमोडियल जर्म सेल्स में स्पर्म का निर्माण होता है। So through gametogenesis, each and every organism maintain their species strength in the fight for survival of the fittest. Darwin's theory के according हम क्या पढ़ते आए हैं कि जो इस बदलते परिवेश में अपने आप को फिट रख सकता है वही सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो गैमिट्स का फॉर्मेशन जो है उसके होते रहने से हम क्या देखते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि जो पेरेंट कोशिका है, जो माता और पिता, इन दोनों के कोशिकाओं में जो रिकॉम्बिनेशन होकर के बन रहे हैं दो गैमेट्स, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशंस व्हाट वी सी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इस फाइट में सरवाइव करने के लिए अपने आप को स्ट्रेंथ बनाए रखता है। एंड वी ऑल नो दैट जेनेटिक इनहेरिटेंस इज कैरीड थ्रू क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम गैमेट्स के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस, आज का जो हमारा विषय है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट अकर्स इन मेल गोनाड्स टेस्टिस। स्पर्म के निर्माण को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ये मेल के गोनाड्स जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का जो है वो है टेस्टिस। टेस्टिस से जो स्पर्म्स बन करके निकल रहे हैं, एपिडिडाइमिस, वासा डेफरेंस और जो एजेकुलेटरी डक्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर से भी फ्लूइड्स लेकर आ रहा है, उससे जो है वो यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो मेल गोनाड्स मेनली कौन से हैं, वो है टेस्टिस। और टेस्टिस में हम क्या देखते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे धागों की तरह दिखते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और अगर हम टोटल लेंथ देखें टेस्टिस के अंदर इन ट्यूब्यूलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो हम देखते हैं कि 400 मीटर से अधिक लंबाई के पाए जाते हैं। और यही टेस्टिस में से जब बाहर निकल के गुच्छे की तरह जो एपिडिडाइमिस है उससे होता हुआ जो वासा डिफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है वो ट्यूब्यूल, वो 6 मीटर के करीब ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। अगर हम सेक्शन कट करके देखें तो आप टीएस जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, गोल गोल ट्यूब्स की तरह दिखाई दे रहे हैं और विभिन्न अलग अलग अवस्था में जो है जो प्रीमोडियल जर्म सेल से निकल करके बन रहे हैं स्पर्मेटोसाइट्स वो दिखाई देते हैं। ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो सेक्शन कट किया हुआ है उसका अगर एक पार्ट अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें स्पर्मेटोगोनियम होते हैं और ये स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं।
So what we see, spermatogenesis, it is the process in which spermatozoa are produced from spermatogonial stem cells. और ये जो बन रहे हैं इन स्टेम सेल्स से, वो दो प्रकार के डिवीजन से बनते हैं. पहला है माइटोटिक डिवीजन और दूसरा है मियोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं जर्मिनल एपिथीलियम के स्टेम सेल्स जो कोशिकाएं हैं उनसे. और ये जब मियोटिक डिवीजन होता है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसमें डिप्लॉइड कोशिका जो है वो हैप्लॉइड कोशिका में परिवर्तित होता है, और वो है हमारा जो फर्स्ट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें मियोटिक फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है. ह्यूमन बीन की अगर अगर हम देखते हैं तो इस पूरे प्रक्रिया में 74 डेज लगते हैं. तो स्पर्म्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. टेस्टिस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथीलियम है उसमें बन रहे हैं हमारे स्पर्मेटोजोआ. और तीन चार जो है इनके फेजेस है, फोर फेजेस. मल्टीप्लीकेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज वो अवस्था है जिसके अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल्स माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे, बहुत अधिक संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं. ये स्पर्मेटोगोनिया दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी. टाइप ए वो वाले स्पर्मेटोगोनिया हैं जो और अधिक स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, और जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है वो होते हैं प्रिकर्सर्स ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म बनने के लिए ये वाली कोशिकाएं काम में ली जाती हैं. दूसरा है हमारा ग्रोथ फेज. तो जो बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया है, दिस एक्टिवली ग्रोस टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और इसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है? जो नर्सिंग सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उनसे इनको नरिशमेंट मिलता है और ये ग्रो करते हैं, बड़े साइज में दिखाई देने लगते हैं. नेक्स्ट फेज है मैच्यूरेशन फेज. इसमें जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट माइटोटिक मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है. तो ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस टू मैच्यूरेशन डिविजन्स. जो फर्स्ट मैच्यूरेशन डिविजन है वो है रिडक्शनल, जिसमें दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं और वो कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. नाउ दिस बोथ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मैच्यूरेशन डिविजन टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं? फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. लास्ट है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस. इसमें जो स्पर्मेटिक है वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है. जो गोल दिख रहे थे हमें अभी तक, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो अब धीरे धीरे हेड और टेल की पोजीशन लेने लग जाते हैं, और वो गॉल्गी अपैरेटस और गॉल्गी अपैरेटस से बनने वाला एक्रोसोम कैप तो अब एक छोटा टैडपोल की तरह दिखने लगता है स्पर्म. सो इफ वी समराइज, स्पर्मेटोगोनिया कौन से हैं? प्रिमिटिव स्टेम सेल जो फर्स्ट जर्मिनल एपिथीलियम है टेस्टिस का, उसमें जो है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, दैट स्टिमुलेट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इससे जो है माइटोटिक डिवीजन होता है और अधिक संख्या में स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस किए जाते हैं. और ये दो तरह की कोशिकाएं बनाते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी. टाइप ए कोशिका जो है वो बाहर ही रहते हैं और माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और अधिक संख्या में जो है वो स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं. और जो टाइप बी कोशिका है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ट्रांसफॉर्म होता है, एंड नाउ दिस
सेल इज डिस्टाइंड टू अंडरगो मियोटिक डिविजन। अब इसके अंदर जो है फर्स्ट मियोटिक डिविजन होता है जिससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और सेकेंड मियोटिक डिविजन से फोर स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म। तो जो बी कोशिका थी जो कि स्पर्म बनाने के लिए आगे प्रोसीड हो रहा है वो है पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और दूसरे मियोटिक डिवीजन के कंप्लीट होने पर चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फोर स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। नाउ इफ यू सी द साइकिल, ए टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया विच आर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग जो कि लगातार मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी स्पर्मेटोगोनिया जो मियोटिक डिवीजन उसके अंदर स्टार्ट हो सकता है और वो कहलाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट डिवीजन हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर दूसरा हुआ फोर स्पर्मेटिड्स। नाउ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें सिर्फ गोल आकार जो है वो हेड और टेल का आकार ले रहे हैं उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ व्हाट आर द हार्मोनल रेगुलेशंस, कौन से हार्मोन्स हैं जो इस टेस्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। फर्स्ट है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। इट स्टिम्युलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स और वो हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो हाइपोथैलेमस है वो स्टिम्युलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए और वो दो हार्मोन्स कौन से हुए, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टीशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ये कौन सिक्रेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। This directly stimulates the testes to produce sperms. Follicle stimulating hormone जो है it stimulates the formation of ABP. ABP क्या है, androgen binding protein और ये नर्स कोशिकाएं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हैं वो इनका ABP का secretion करते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि इंटरस्टिशियल कोशिकाओं को स्टिम्युलेट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए एंड दिस इज द मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, दिस इज द मेल हार्मोन। टेस्टिकुलर फंक्शन को कब रोकना है और कब उसका स्विच ऑन करना है, दिस इज नोन एज हार्मोनल रेगुलेशन एंड दिस हैपन्स बाय द फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन से जो है ये कंट्रोल किया जाता है टेस्टिकुलर फंक्शन को। तो हमने क्या देखा, हाइपोथैलेमस जो कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज कर रहा था उसने स्टिम्युलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और इसके स्टिम्युलेशन से दो तरह के हार्मोन्स बन रहे थे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड द नेक्स्ट वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है एबीपी बना रहा है जो कि नर्स सेल्स को स्टिम्युलेट कर रहा है इसके सिक्रीशन के लिए और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा था, इंटरस्टिशियल कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए स्टिम्युलेट कर रहा था। अब जब इन हार्मोन्स का लेवल राइज होता है, व्हेन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज इंक्रीजिंग व्हाट हैपेंस, जो इनहिबिन जो है वो रिलीज उसका भी लेवल जो है वो बढ़ने लगता है और इनहिबिन जो है इट इनहिबिट्स द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को वो इनहिबिट करता है और रोकता है कि वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को नहीं बनाए।
तो हम क्या देखते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है तो इनहिबिन का भी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज द एक्चुअल फीडबैक इनहिबिशन विच इज रेगुलराइजिंग द टेस्टिकुलर फंक्शन. Now, what are the specializations of sperm? It transforms genetic information from one generation to next generation. Gametes ही हैं जो genetic material को एक generation से दूसरे generation में transform कर रहे हैं. और sperm जो है वो motile होता है क्योंकि tail होती है उसमें. It shows locomotion and it can penetrate through the egg. एग को पेनिट्रेट कर सकता है और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है. इट कैन फ्यूज विद द ओलेमा और इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच रिकॉग्नाइज द एग, एग को पहचानने में हेल्प करते हैं. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए.